गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं जावेद और मैं हूं नगमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड टूर। तो जैसा कि हमारा गुरु दोंगमार लेक का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था, तो उसकी जगह अभी हम लोग जा रहे हैं चांगू लेक। गुड मॉर्निंग। तो कितना डिस्टेंस है ड्राइवर सर चांगू लेक का यहाँ से? आपका 52 किलोमीटर है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? लगभग आप कर रहे थे 1 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे। हाँ, तो टोटल टाइम 2 घंटा 2 घंटा 15 मिनट मान के चलते हैं। और अभी निकले हैं, टाइम हो गया है। एक्चुअली 8:30 बजे निकलने का था, तो थोड़ा लेट हो गया, 9:05 हुआ है। चलते हैं चांगू लेक, बहुत ही खूबसूरत है ना ड्राइवर साहब? बहुत खूबसूरत है वो पहाड़ी है। वो पहाड़ी है चांगू लेक। अच्छा, तो उधर से जाएंगे ऊपर पूरा चढ़ के? हाँ, चढ़ के। ये रास्ता नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये जो आप चेक करवाने के लिए गाड़ी आए ना, क्या हो गया ड्राइवर साहब गाड़ी में? तो लीकेज हो रहा है। तो ईस्ट सिक्किम का कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जो जहाँ चांगू लेक जो जाएंगे वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है। माइल का क्या है वो चेक पोस्ट का नाम? थर्ड माइल 3 माइल बोलते हैं। 3 माइल बोलते हैं। तो वहाँ चेकिंग होगा, परमिट वगैरह मेरा रेडी है और ट्रैवल एजेंट जिससे पैकेज लिए वो रेडी करके भेज दिया है। तो वहाँ से चेकिंग करने के बाद ही, और यहाँ के जो सिटीजन है उनको भी चेक करने के बाद ही वो उधर परमिशन मिलता है जाने। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है ये एरिया ईस्ट सिक्किम के अंदर। जस्ट गैंगटोक से लगभग 5 किलोमीटर आप वही तक, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप लोग फ्रीली घूम सकते हैं। सर, रिस्ट्रिक्टेड होने का कारण तो यही है ना, मतलब कि मतलब चाइना बॉर्डर नजदीक होने के कारण। आप जितने उधर इस तरफ जाओगे ना तो चाइना बॉर्डर, डोकलाम सुनिए हो ना, वहाँ जो कंट्रोवर्सी चला था। हाँ, कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, वो एरिया भी यहीं से जाता है। अच्छा, इधर से जाता है ना। हाँ, इस साइड में चाइना है, इस साइड में भूटान पड़ते हैं। अच्छा, हमारा इस साइड सिक्किम की साइड में भूटान पड़ते हैं, इस साइड में चाइना पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, और डोकलाम यहीं पड़ता है। हाँ, डोकलाम तो वही नाथुला से आगे जाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा अच्छा, चलते हैं। ड्राइवर साहब गाड़ी बनवाने में लग गए, हम लोग तो आते हैं तो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमने का बहुत सारा है ना। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ बात होगा। हल्दी डालने के लिए बोल रहा है, लीकेज बंद करने के लिए एक पैकेट हल्दी जो है डालने के बाद लीकेज बोल रहा है कम हो जाएगा, काम चल जाएगा आज का। पंद्रह बीस मिनट का समय लग गया यहाँ पे गाड़ी चेक करवाने में, चलते हैं। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कितनी स्टीप चढ़ाई, फिर से उसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। 0 पॉइंट जब गए थे तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ दिख रही थी, स्टार्ट जब हुआ था लाचुंग से वैसे ही व्यू मिल रहा है। और ये काफ़ी ऊँचाई पर 12,000 फीट पर ये लेक है। नॉर्थ सिक्किम तो है ही ज़बरदस्त, ईस्ट सिक्किम का ये एरिया भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत
मस्त व्यू है यहाँ से। वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं ये गैंगटोक से जो चेक पोस्ट से हम जब एंट्री होंगे, हाँ, जैसे एंटर होंगे वैसे आपको जिगजैग टर्निंग पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्नेक टर्निंग। स्नेक टर्निंग है, ये रोड पूरी तरह घुमा हुआ है, घूम घूम के चढ़ा और इस तरफ से हम लोग ऐसे घूम के यहाँ आए। यहाँ से और कितना डिस्टेंस है ड्राइवर साहब? छंगू लेक आपका 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर और बाकी है, समय से ही पहुँच जाएंगे। इधर बहुत ही बढ़िया है, ठंड लग रही है लेकिन ये ठंड चुभ नहीं रही, 0 पॉइंट वाली ठंड चुभ रही थी। जब जा रहे हैं आप, अगर खाना चाहिए तो फिर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा पहले, रोटी वगैरह ये सब अगर खाना, मैगी तो मिल जाएगा लेकिन रोटी चावल ये सब खाना हो तो पहले ऑर्डर करना पड़ता है। क्यों ऐसा है डॉक्टर साहब, पहले क्यों ऑर्डर करना पड़ता है? क्योंकि इधर में आपका बना के कोई नहीं रखता है रेडी। अच्छा, उन लोग का बिगड़ जाता है बासी खाना। अच्छा। टूरिस्ट लोग को भी नहीं देता है, ड्राइवर को भी नहीं देता, ये अच्छा है। जल्दी से चांगू लेक पहुंचना है लेकिन व्यू इतना अच्छा मिल रहा है कि अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और गाड़ी रोक के और कुछ देर व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप गैंगटोक आते हैं चांगू लेक जरूर आइए, डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, 0 पॉइंट वगैरह तो बहुत मुश्किल होता है उधर जाना, लेकिन आसानी से आप चांगू लेक वाला एरिया में आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल पहाड़ी है, फिर इधर नीचे बिल्कुल खाई। तो मैं अभी एक और ब्रेक लिया हूँ, यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी करते हैं। अगर आप चांगू लेक आ रहे हो, मैं मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो अगर आप गैंगटोक से चांगू लेक मार्च के महीने में भी आ रहे हैं तो पूरी तरह इंतज़ाम लेके आएँ। गैंगटोक में तो उतनी ठंड नहीं होती लेकिन जैसे जैसे चांगू लेक की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड है। और अब यहाँ कुछ नाश्ता पानी करते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे चांगू लेक की ओर। ठंडी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। 50 रुपये का है ये, एक्चुअली उस हिसाब से तो महंगा है लेकिन यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, बहुत ऊँचाई पे ये लोग उठा के जब लाते हैं तो वो उसका तो चार्जेस लगेगा ही आपको। और पहाड़ी इलाका में बहुत मुश्किल से ही कुछ मिलता है, तो छोटा छोटा रेस्टोरेंट है, मतलब हर कुछ मिल जाएगा आपको, ज़रूरत भर का सामान। टेस्ट बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बाद सीधा आप चांगू लेक में ही रुकेंगे।
इसके बारे में तो हम गाना पे रहता जंग दिलई मैं बसे माया दिलई मैं यारिया का मूवी यहाँ पे शूटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं इधर में थोड़ा थोड़ा झील और सर पूरा फ्रीजन हो गया है, थोड़ा थोड़ा लेक दिख रहा है। अभी यारिया का जो हीरोइन हीरोइन हीरो और हीरोइन जो बैठा हुआ पत्थर दिखने वाला है, हम उधर ही रोकेंगे क्योंकि इधर थोड़ा शांति भी है और बड़े आराम से हम लोग घूमना चाहते हैं। तो फाइनली चांगू लेक पहुंच चुका हूं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पे है और ये झील जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। आधा फ्रोजन है और आधा में पानी दिख रहा है, आधा बर्फबारी हुई थी, टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो उसकी वजह से उस साइड आप देख सकते हैं उस वाला पार्ट, उधर वाला पार्ट जो है फ्रोजन है। विंटर में तो ये पूरा बर्फ जम जाता है, यहाँ पे पूरी तरह ये नदी जम जाती है, तो इस पे आप स्नो में खेल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है स्पेशल याक राइड, याक के साथ फ़ोटो ले सकते हैं, 100 रुपीज़ उसका चार्ज है। याक राइड अगर आप करना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 450 रुपीज़ है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं याक के साथ तो उसका चार्जेस है 1200 रुपीज़। और यहाँ पे रोपवे भी है, तो अभी रोपवे चलेंगे, उसका चार्जेस मुझे पता नहीं है, जाके अभी पता करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे उसको भी। ठंड मार्च के महीने में बारिश हुई और बर्फबारी हुई तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप मार्च के महीने में प्लानिंग कर रहे हो गैंगटॉक का और इस एरिए का तो ज़रूर अपने साथ ठंड का इंतज़ाम लेके चले। और झील का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है वहाँ से पूरा वहाँ तक, और जो डीप है 15 मीटर गहरा है।